भागलपुर सुल्तानगंज अगुवानी पुल हादसे के बाद से एक गार्ड के लापता होने की सूचना है। एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। जानकारी दे रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अश्विनी। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट सुल्तानगंज अगुवानी पुल का बड़ा हिस्सा कल गंगा में समा गया। 1750 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण कराया जा रहा था। हादसे के बाद का मंजर इस तरफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ग्राउंड जीरो पर हमारी मौजूदगी है इस वक्त, और किस तरह से यह हादसा हुआ है और उस वक्त जब यह हादसा हुआ उस वक्त क्या हालात रहे होंगे ये तस्वीर देखकर समझा जा सकता है। लगातार इस तरह की भयावह तस्वीर यहाँ पर जो सामने हम आपको दिखा रहे हैं, कल भी जो है लाइव तस्वीर आपको दिखाई थी कि किस तरह से पुल का जो बड़ा हिस्सा है, चार पाया और बड़ा सेगमेंट, वो किस तरह से गंगा में समा रहा है। अब एसडीआरएफ की टीम एक गार्ड के लापता होने की सूचना पर जांच कर रही है। बिहटा से और भागलपुर खगड़िया से एसडीआरएफ की टीम, चार टीम यहाँ पर लगातार छानबीन कर रही है। एक सूचना मिली थी कि एक गार्ड जो है पुल के हादसे के बाद से लापता है, फिलहाल उनको नहीं खोजा जा चुका जा सका है। इनसे बात करेंगे जो कर्मी है एसटीआरएफ, क्या कुछ सूचना मिली थी आपको, क्या इस मामले में? मुझे कल हम लोग को जैसे कि इन्फॉर्म किया गया कि पुल ध्वस्त हो चुका है, कोलैप्स हो चुका है। उसके बाद हमें इन्फॉर्म किया गया कि जल्दी से जल्दी टीम को अर्जेंट जांच के लिए ले आया जाए, तो हम लोग ने जांच भी किया। फिर उसके बाद सेकेंड राउंडिंग में हमने नाइट होने के वजह से, हम लोग ने रात नाइट को बोट नहीं चलती है तो बिकॉज हमने स्किप करके मॉर्निंग में वापस गार्ड खोने की सूचना है। गार्ड ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं है अभी, वो गार्ड शायद भाग गया हो सकता है, या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस दिन शायद संडे को ड्यूटी थी कि नहीं थी, हम लोग इस पे आगे जांच कर रहे हैं, लेकिन खोज रहे तलाशी है। 1750 करोड़ की लागत से स्कूल का निर्माण कराया जा रहा था। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी स्कूल को जो है स्कूल का ठेका मिला था। पहले भी एक बार ये हम आपको जानकारी दे दें कि पहले भी यहाँ पर एक हादसा हुआ था, पुल का सेगमेंट गंगा में समा गया था। इसके बावजूद भी एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी पर कार्रवाई नहीं हुई, बाकायदा पुल का निर्माण कार्य जारी रहा और अब बड़ा हादसा हुआ है। जरूरी है एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी पर कार्रवाई करने की ताकि इस तरह का हादसा फिर दोबारा ना हो। अश्विनी कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, सबसे पहले इस पूरे मामले पर आपसे अपडेट जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर तरह तरह की कह सकते हैं कि अब सफाइयां भी पेश की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अब जो बातें निकल कर सामने आ रही है, क्या वाकई उस पर पहले उन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता तो ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन देखने को ना मिलती? देखिए प्रीति, कई सारे गंभीर सवाल हैं, और सवाल ये है कि जो नीति नियंता है जिनके ऊपर जवाबदेही जिम्मेदारी है कि जो काम है वो ठीक ढंग से हो, उन्होंने इसकी मॉनिटरिंग नहीं की। दूसरी बात, कल जिस तरीके से यहाँ पे जो सचिव हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं प्रत्यय अमृत कि डिजाइन में डिफॉल्ट है, तो जब डिजाइन में डिफॉल्ट है तो ताबड़तोड़ काम जो है वो क्यों चल रहे थे और काम क्यों नहीं रोके गए थे। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। सवाल है कि पिछले बार जो घटना हुई थी उसमें दोषी कौन है, ये सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया और उसमें क्या कार्रवाई हुई। तो जाहिर तौर पे ये ढाक के तीन पात लिपापोती की बातें हैं, और हकीकत ये है कि वहाँ पे कई सारी लापरवाही जो है वो बड़े पैमाने पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसको लेकर जिस तरीके से यहाँ पे हिल हवाले की स्थिति है, और ताश के पत्ते की तरह जिस तरीके से तमाम लोगों ने देखा कि कैसे ये ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है पुल, तो समझा जा सकता है कि इसमें वस्तु स्थिति क्या है। और वो भी ये तब जबकि 2023 में तीसरी बार इसके निर्माण की जो डेडलाइन है वो पूरी की गई कि अब दिसंबर तक जो है इसे हर हाल में पूरा कर लेना है, इससे पहले मार्च, फिर उसके बाद जून, और अब ये यानी कि पिछले अगर 2019 से बात करें जब से इसे पूरा होने की बात थी, अभी तक 8 बार समय जो है वो बदल चुका है इसके पूरा कर लेने का, लेकिन ये पुल अब तक पूरा नहीं हुआ है। और अब जो वस्तु स्थिति है इसमें समझा जा सकता है कि आगे क्या कुछ होगी। सवाल है कि पिछली बार यानी 2022 में जिस तरीके से अप्रैल महीने में जब स्ट्रक्चर जो है वो स्पैन गिरा था पिलर नंबर 5 का,
तो उसके बाद जो जांच पड़ताल हो रही है या फिर NIT से और IIT से जो उनके जो अभियंता है उनकी ओर से एक्सपर्ट की ओर से जो जांच कराई गई उस जांच का क्या हुआ, और अब जबकि आनन फानन में कल जब किरकिरी हो रही है सरकार की और यहाँ पे भद्द पीट रही है तो फिर आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि डिज़ाइन में डिफॉल्ट है, पहले से आशंका थी, तो जब पहले से आशंका थी और डिज़ाइन में डिफॉल्ट है तो फिर वहाँ पे काम क्यों चल रहे हैं, इसे पूरा क्यों करवाया जा रहा है, तो कई सारे ऐसे सवाल हैं जो कि एक खिलवाड़ की तरह है। अब इसमें समझा जा सकता है कि वहाँ पे ना तो मानक का ध्यान रखा जा रहा है, ना जो मूलभूत बातें हैं जो बहुत साधारण सी हैं उसे भी दरकिनार किया जा रहा है, सुरक्षा मानकों का ख्याल जो है वहाँ पे नहीं रखा जा रहा है, ये सर्वविदित है। लेकिन अब यहाँ पे ये स्पष्ट है कि पिछली बार जो है वो पिलर नंबर 5 का जो 200 मीटर के आसपास जो है वो स्पैन गिर गया था, उसके बाद सरकार की किरकिरी हुई थी, तब ये कहा गया कि तेज हवा की वजह से। अब बताइए, ये हास्यास्पद है कि ये तर्क और दलील दी जाए कि तेज हवा से पुल के हिस्से जो है वो उड़ गए या गिर गए। इस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी चुटकी ली थी, तंज कसा था उसके बाद, और साथ ही साथ विधानसभा में भी यहाँ पे सवाल उठे थे, जवाब देते नहीं बन रहे थे, लेकिन उस घटना से कोई सीख और सबक जो है वो नहीं ली गई। और अब जबकि ताश के पत्ते की तरह करीब 400 मीटर का स्पैन जो है और 3 पिलर वो जल समाधि ले चुका है, अब इस पर भी सरकार को कहते हुए नहीं बन रहा है, सिर्फ इतना भर जो कि हमेशा कहा जाता है जांच करवाई जा रही है, दोषी होंगे बिल्कुल रजनीश। और देखिए यही वजह है कि कहीं ना कहीं भरपूर तरीके से जो लीपापोती है वो जरूर इस पूरे मामले पर की जा रही है, हालांकि ये जांच का विषय है और तमाम सवाल खड़े होना भी लाजमी है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, अपडेट इस पूरे मामले पर आपसे लेते रहेंगे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 2 मिनट में प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें।